स्नैपी गर्ल सपना चौधरी काफ़ी दिन अपने मायके रहने के बाद आखिरकार अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सपना अपने पैर में चोट लगने की वजह से अपने ससुराल में काफ़ी परेशान हो रही थी, साथ ही उन्हें अपने घर में अपने कामों के लिए भी अंशु के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था। इस वजह से वो अपने मायके आई थी। सपना ने खुद अपने व्लॉग में हमें बताया था कि अंशु की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हैं। साथ ही उनके पैर में इतना दर्द है और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपनी परेशानी की वजह से अंशु की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपने मायके में आकर रह रही थी। जैसा हम सब जानते हैं, सपना ने अपने मायके में आकर अपनी माँ से अपने पैरों पर सिकाई भी करवाई है। उनकी माँ ने उनके पैरों की अच्छे से सिकाई करी है ताकि उनके पैरों के दर्द में काफ़ी आराम आ जाए, और सपना के पैरों में पहले से काफ़ी आराम भी आ गया है। और हाल के ही व्लॉग में सपना ने अपने सास ससुर से वीडियो कॉलिंग पे जब अपने बच्चों की बात कराई थी, साथ ही उन्होंने बताया था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सास ससुर ने मुझसे बात करी, मेरे बच्चों से बात करी, जो भी हमारे बीच में मनमुटाव था, जो भी गलत फहमी थी जिसकी वजह से हमारी सास नाराज थी या हमारे घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, वो अब दूर हो चुका है। इसलिए मैं अब बेहद खुश हूँ कि हमारा परिवार फिर से पहले जैसा हो गया है, क्योंकि हम बीते ब्लॉग में हम लोग देखते हैं कि सपना की सास ने सपना के साथ थोड़ा रूडली बिहेव किया था। जब सपना अपने घर से आ रही थी मायके के लिए, तब भी उनकी सास उनके भाई को कैमरा बंद करने के लिए कहती हैं और कहती हैं हमारी रिकॉर्डिंग ना करें। तो सपना इस पे कहती है कि मेरे फ़ोन पे रिकॉर्डिंग हो रही है, बावजूद इसके उनकी सास कहती हैं हमारी रिकॉर्डिंग ना करें। तो उनके इस बिहेवियर से सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सपना के सास सपना से नाराज़ हैं, या कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्होंने इतना रूडली बिहेवियर सपना के साथ दिखाया। लेकिन अब सपना अपने व्लॉग में ये क्लियर कर चुकी हैं कि जो भी उनके बीच मनमुटाव थे या जो भी किसी ने उनके बीच में गलत फहमियाँ पैदा कराई थी, वो सब दूर हो चुकी हैं, और शायद इसी वजह से अब सपना अपने घर वापस जाना चाहती है। क्योंकि हम सब जानते हैं सपना बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही सपोर्टिंग है और अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो अपनी फैमिली से खुद भी दूर नहीं रहना चाहती। वो जानती है कि सूरज जी और राजवीर जी के जाने के बाद उस घर में अगर कोई है तो वो सपना है, जो सबके लिए है, और सपना के जो बच्चे हैं आरू और आरोही, उनसे बढ़कर किसी को भी उनके दादा दादी प्यार नहीं करते हैं। ये सपना भी जानती है और उसके दादा दादी भी इस चीज़ को मानते हैं, इसीलिए उन्होंने हर चीज़ को दूर करके अपने बच्चों को अपने पास बुलाया है। और सपना ने भी इसी चीज़ के लिए कि जैसे ही उनका फ़ोन आया, उन्होंने बातचीत की सारी चीज़ों को भूल कर सपना ने अपने घर वापस जाने का निर्णय लिया है। क्योंकि सपना हमेशा से अपने ससुराल को, अपने परिवार को सबसे पहले रखती आई है। वो अपने मायके में भी अगर होती है और अगर उसे अपने ससुराल से कोई बुलाए या कोई बात हो, तो वो देर नहीं करती अपने घर वापस जाने के लिए। हम इतने टाइम से सपना को देखते हैं, सपना सबसे पहले अपने सास ससुर के बारे में सोचती है। लेकिन कुछ दिनों से जो बातें हो रही थी और जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी, उससे वो दुखी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने भी सोशल मीडिया पे इस चीज़ को स्वीकार किया था कि उनके सास ससुर का बिहेवियर उनके माता पिता के लिए थोड़ा अलग होता है, उसके रिश्तेदारों के लिए थोड़ा अलग होता है। ये कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दुख था जो उन्होंने बयान किया था। लेकिन वो अपने सास ससुर को सबसे पहले मानती हैं, अपने माँ बाप की तरह मानती हैं, इसीलिए जब उन्होंने उससे प्यार से बात करी, बच्चों से बात करी, तो सपना ने सारी पुरानी बातों को भूल कर अपने घर वापस जाने का अब निर्णय लिया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पूरा परिवार एक साथ रहे, खुश रहे, और किसी भी बुरी बात में किसी भी दूसरे की वजह से अपने परिवार में कोई मनमुटाव ना रखे।